उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। बार बार उसे खाने पे क्यों रोकना चाह रही हो? नहीं खाना चाह रही है वो खाना? नहीं मानी जान, पहली बार आई है, वो खाना खा के जाएगी। अरे तो पहली बार आई है, आखिरी बार तो नहीं। और वैसे भी ये कौन से सोमालिया के किसी कहर ज्यादा इलाके से आई है कि तुम खाना खिलाए बगैर उसको भेजोगी नहीं? अब देखती हूँ ये मामू की लाडली कैसे वाह वाह समेटती है। भाभी आप ये कैसे कह सकती हैं? किसी आई मुमानी जाने गिराई है? इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें खुद फेंकते हुए देखा है। तो फिर आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? खिरत, मैं उन्हें रोकने जा ही रही थी कि दरमियान में नईम की कॉल आ गई, बस वो सुनने के लिए मुझे कमरे में जाना पड़ा। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं खाला जान से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर चांदनी भाभी सच कह रही हैं, तब भी मैं मुमानी जान को कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मामू जान को जब पता चलेगा कि मैं नहीं लिख रही हूं, तो वो कितना हर्ट होंगे। तो मुझ पर बहुत एतबार करते हैं, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन मैं इतनी जल्दी क्या करूं? इतनी जल्दी तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मामू जान का एतबार खत्म नहीं कर सकती। आज रात ही कंप्लीट करना होगा। अगर वो मानी जाना ऐसा नहीं चाहती तो मुझे उन्हें जीतने नहीं देना चाहिए। अरे चांदनी बेटा, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए, देर हो रही है। बस खालू जान, सब तैयार होने वाला है, मैं टेबल पे लगवा रही हूँ। अच्छा, ये खिरत कहाँ है? अभी तक उठी नहीं? नहीं खालू जान, अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली, मेरा ख्याल है सो ही रही होगी। सो रही है अभी तक? अरे भाई, उसको जाके उठाइए, उसको मेरी किताब का रिव्यू लिखना था, मुझे जाना है। खालू जान, वो तो खिरत ने नहीं लिखा। नहीं लिखा? अरे ये कैसी गैर जिम्मेदारी वाली बात की उसने, मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। खालू जान, आपको ये काम खिरत को देना ही नहीं चाहिए था। उसे क्या पता कि आपके लिए कमिटमेंट कितनी अहमियत रखती है। उसके लिए तो महज ये एक शौक होगा। तुम ठीक कह रही हो, गलती की मैंने, उसको नहीं देना चाहिए था, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई। अभी तो और बहुत सी मुश्किलें होंगी। साहिर, साहिर उठिए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे आप। आज देर से जाना है मुझे ऑफिस। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाना था ना, वो देर हो जाएगी, उनको उठ जाएं आप। कैब पे चले जाएंगे ना, क्या हो गया यार। अच्छा मैं उनको रिव्यू का पेपर दे के आती हूँ, मैंने कल रात ही कम्प्लीट कर लिया। अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हो? नहीं सो जाना। साहिर छोड़ी छोड़ी ना।
अरे चांदनी, साहिर अभी तक नहीं उठा? नहीं खाला जान, साहिर और खिरत तो अभी तक सो रहे हैं। अरे 9 बज रहे हैं, अभी तक सो रही है? क्या उसे किसी ने ये नहीं बताया कि देर तक सोना नहुसत होती है? अरे भाई, कभी कभी थकन के मारे लोग देर तक सो जाते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अरे वो यहाँ कौन से पत्थर तोड़ रही है जो थकन हो गई? अरे इस घर में कौन सा काम उसके जिम्मे है? अरे भाई, मैं सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करना चाहता, वैसे भी मुझे सफर पे जाना है। हाँ, बस मुझ पर तंज करके आपको मुझे झूठा साबित करने का बहुत शौक। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम बेटा, आज आपको देर हो गई, खैरियत तो है? वो सारी रात जाकर लिख रही थी ना मामू जान, तो इसीलिए। अच्छा, लाइए दिखाइए क्या लिखा है आपने। जी भाई, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, किस कदर उम्दा तहरीर लिखी है मेरी बेटी ने। शुक्रिया मामू जान, आपको पसंद आ गई, मेरी मेहनत वसूल हो गई। तौबा, कितनी चालाक लड़की है ये खैरत भी, नाकाम होके भी कामयाबी की उम्मीद नहीं छोड़ी इसने। अब तो खालू जान हर हाल में इसे शाया करवा के रहेंगे, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। बहुत ही मुझे पसंद आया, बहुत ही आला। तबसुम साहब, जरा देखिए तो कितनी उम्दा तहरीर लिखी है मेरी बेटी ने। अरे शफीक साहब, ये किताबी बातें तो हर फारिग बंदा कर ही लेता है, मजा तो जब है जब जिंदगी के तल्ख हकायक का सामना करना पड़े। अरे वाह तबसुम बेगम, यानी कुतुब बीनी ने आपकी शख्सियत पे बड़ा असर डाला है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करने लगी हैं आप। अरे शफीक साहब, मेरा मिजाज तो हमेशा से ही ऐसा था। हाँ, गुफ्तगू करते वक्त मैं जरा कुछ एहतियात बरत लेती हूँ। मानी जान, आपको किताबें पढ़ने का शौक है? ये क्या बात हुई, तुम क्या समझती हो इस घर में तुम्हारे मामू जान ही पढ़े लिखे? मानी जान, मेरा वो मतलब नहीं था। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, जाओ बावर्ची खाने में चांदनी का हाथ बटाओ, सारे काम वो अकेले करती रहती है, किसी को उसका ख्याल नहीं है। जी। साहिर, चाय? हाँ रख दो। वो मैं पूछ रही थी कि आप कल ऑफिस से जल्दी आ सकते हैं? क्यों? जी, कल खतीजा ने हम दोनों को दावत पे बुलाया। अच्छा, कितने बजे जाना है? यही कोई 5-6 बजे। वो क्या है ना, बाबा से भी मिल लेंगे, उनसे भी काफी दिन हो गए ना मिले हुए। सही है, चलो ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू साहिर। वेलकम बोलने की जरूरत है? जिस बात का डर था खाला जान, बस अब वही होने वाला, तैयारी पकड़ ले। क्या मतलब? मतलब ये कि कल की दावत में साहिर खिरत को साथ लेके जा रही, जबकि इस घर के असूल ये नहीं थे। दावत में सब लोग जाया करते थे, ना कि चंद अफराद। लेकिन जाननी, मैंने तो उसे जाने से मना किया था। खाला जान, अब आप इस खुशफहमी से निकल आए कि साहिर अब आपकी बात मानेगा? कैसे हो सकता है, अपनी माँ की बात नहीं मानेगा? अरे खाला जान, जब बीवी आ जाए तो माँ को कौन याद रखता है, जो साहिर आपको रखेगा? साहिर कभी ऐसा नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ उसे। वो कल ऐसा ही करने वाला है, आप खुद ही देख लीजिएगा। बेहतर यही है कि आप साहिर से कोई उम्मीद ना रखें, खुद ही कुछ कर, वरना बाद में आप ही पछताएंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
भतीजा ही होगी, इसको भी सुकून नहीं है। हेलो हेलो खिरत की बच्ची, कहाँ हो तुम? हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं यार। अरे भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन साहिर अभी तक ऑफिस से नहीं आए। क्या मतलब? साहिर भाई अभी तक ऑफिस से नहीं आए तो तुम हमारे घर कब आओगी? अच्छा उनको कौन से घंटों लगेंगे तैयार होने में? वो आएंगे, रेडी होंगे और हम फिर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ, बहुत बेचैन हूँ मैं तुमसे बातें करने के लिए। अच्छा बाबा आ रही हूँ, मैं साहिर को दोबारा कॉल कर देती हूँ। ठीक है ओके, खुदा हाफिज। ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज। अरे खिरत अच्छा हुआ तुम आ गए। ये साड़ी है ना, ये मुझे कल पहननी है, जरा इस पे फॉल लगा देना और फॉल लगाने के बाद इस पे इस्त्री भी कर देना। और हाँ चांदनी बेगम तो अपने मैके गई हुई है, तो शाम का खाना भी तुम ही पकाओगी। लेकिन नुमानी जान हमें तो दावत पे जाना है। दावत में कहाँ? वो खतीजा ने बुलाया है ना अपने घर। अच्छा तुमने जाने की तैयारी भी कर ली, किससे पूछ के? मानी जान मैं आपको, देखो बेबी तुम्हारी ये लक्षण मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें खूब मालूम है कि इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होता। जी अपनी सहेली को मना कर दो कि तुम वहां नहीं जा रही। लेकिन मुमानी जान वो हमारा इंतजार कर रही होगी। अरे तो करती रहे, ये हमारा मसला तो नहीं है। अच्छा बस अब ये सब सारा काम निपटाओ और जैसा मैंने कहा है वैसे ही करो। जी अम्मी। साहिर बेटा। हाँ बेटा कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में अम्मी घर आ रहा हूँ। बस बेटा वो कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो? क्या हुआ अम्मी आपको? पता नहीं बेटा कुछ घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ दिल का प्रॉब्लम है, शुगर भी लग रहा है हाई हो गई। अच्छा अच्छा परेशान मत हो, मैं बस 5 मिनट में घर पहुँचूंगा। जीते रहो बेटा, तुम तो मेरी आंखों का नूर हो। जी जी जीत जीत। अरे खिरत मैं जरा बाजार जा रही हूँ, कुछ जरूरी चीजें खरीदनी थी मुझे। तो मानी जान आप कब तक वापस आएंगी? ये तो मैं नहीं कह सकती कि कब तक आऊंगी, लेकिन तुम ये करना खाना पका के रखते हैं। लेकिन हमें तो खदीजा की तरफ जाना है ना। अरे हाँ तो चली जाना, अब अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकने वाली कौन? माने जाने से कोई बात नहीं है, आप भी हमारे साथ चले ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बीबी मुझे बिन बुलाया मेहमान बन के किसी घर जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं। वैसे भी वो जो तुम्हारी दोस्त है ना खदीजा, मुझे तो एक आंख नहीं भाती, मुझे तो तुम उससे दूर ही रखो। अच्छा खैर मैं निकल रही हूँ, खाना वाना पका लूँ। ठीक है
और कितनी देर है, बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, बिरयानी मैंने दम पे रखी है, फरद को कह दिया है टेबल लगाने के लिए, बस अभी खा लेना। बस जल्दी टेबल लगवा लें, आज कितने अरसे बाद आपके हाथ का खाना खाने को मिलेगा ना। अरे मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हें रोज पका के खाना खिलाऊं, लेकिन क्या करूं, तुम तो आती इतने दिनों के बाद हो। अब से मैं जल्दी आने की कोशिश क्या करूंगी। अरे हाँ, तो तुम आज रात यहीं रुक जाओ, इतने अरसे के बाद तो आई हो। मामा कैसे रुक सकते हैं, हमें वापस जाना है। क्यों बेटा, कल तो तुम्हारी छुट्टी है ना, तुम रुक सकती हो। नहीं नाना, आपको नहीं पता, दादू बहुत परेशान हो जाती है, मामा के बगैर नहीं रह सकती हो। देखिएगा अभी फोन आ जाएगा उनका। कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारे दादा से बात करूंगी फोन पर, क्या आज रात मेरे बच्चे मेरे पास रुकेंगे, ठीक है। अरे इंशाल, अम्मी इतनी मोहब्बत से कह रही हैं, तो रुक जाते हैं आज। मामा मेरा परसों टेस्ट है। तो इंशाल आप घर जाके तैयारी कर लेना उसकी, अब अम्मी इतनी मोहब्बत से कह रही हैं, मैंने नाराज तो नहीं कर सकती ना। जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। बस चलो मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाओ फटाफट। कौन था ये? साहिर, मैं तो जानती भी नहीं हूँ वो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन था ये। अरे कमाल करते हो बेटा, कभी चोर ने भी कहा है कि मैं चोर हूँ, ये क्या बताएगी। मुमानी जान, मैं सच कह रही हूँ, आप लोग मेरा यकीन करें, तो जानती भी नहीं, मैं खुद उसके पीछे भागी थी। अरे किसी अजनबी की कैसे जुर्रत हो सकती है कि सीधा घर में घुसता चला है। ठीक कह रही हूँ, ये तुम्हारा मोहल्ला नहीं है कि जिसका दिल चाहेगा मुंह उठा के घर के अंदर चला आएगा। सायरा प्लीज मेरा यकीन करें, मैं नहीं जानती वो कौन था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम उसे नहीं जानती और ना तुमने उसे बुलाया है ना। अरे बेटा तुम भी किन चक्रों में पड़ गए। हाय, सारा कसूर तो मेरा ही है ना। अरे अगर मुझे ये पता होता कि मेरे जाते ही ये गुल खिलाएगी तो बेटा मैं जाती ही ना। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे, मैं नहीं जा। तुमने मुझे बहुत मायूस किया, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे अभी तो ये न जाने कितने और गुल खिलाएगी, जुमा जुमा 8 दिन तो हुए हैं शादी को और ये लच्छन। अल्लाह मेरी तौबा तौबा तौबा। जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि वो कौन था और यहाँ क्या करने आया था, मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। साहिर आप मेरी बात तो सुने, साहिर आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस चला गया है वो, अब रोना धोना बंद करो, यहाँ बैठो और मुझे असल बात बताओ। मुमानी जान, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे, मैं नहीं जानती वो कौन था, मैं तो खुद उसके पीछे भागी थी। अरे क्यों झूठ पे झूठ बोले चली जा रही है। साहिर, साहिर दरवाजा खोले, साहिर साहिर मेरी बात तो सुने, मेरा यकीन करें, मैं नहीं जानती वो लड़का कौन है। साहिर आप दरवाजा खोले, साहिर आप दरवाजा खोले, साहिर दरवाजा खोले, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं नहीं जानती वो कौन है। साहिर आप मेरी बात तो सुने, साहिर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। अपनी खिरद पे यकीन नहीं। कौन है, आ जाओ। वो मानी जाए, आप मेरी बात का यकीन करें, जो कुछ भी हुआ वो उससे गलत फहमी। अरे तुम क्यों दुश्मन बनी हुई हो मेरे बेटे की, क्या अभी जी नहीं भरा। अगर वो बेचारा बर्दाश्त कर रहा है तो क्यों उसका जब्त आजमाने पे तुली हुई हो। खुदा के लिए उसको सुकून से रहने दो। मानी जाना, आप साहिर
साहिर से मुझे एक बार माफी दिलवा दो। उनको उनको कहें कि ये सब गलत फहमी है। देखो अब तुम बस कर दो, तुम जितने झूठ बोलोगी ना साहिर को उतना ही गुस्सा आएगा। अभी तो शुक्र करो उसने तुम्हें घर से नहीं निकाला, वरना बीबी आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। मानी जाना मेरी बात तो सुने। मैं जाओ, तुम यहां से जाओ। खिरद? अरे उस्मान, तुम लोग कब आए पता ही नहीं चला। आओ बैठो बैठो ना। जी जी, अगर पता चल जाता तो आप खिरद को सुनाना बंद कर देती ना। अरे कैसी बातें करते हो बेटा, खिरद तो मेरे लिए बेटियों जैसी है, मैं उस पे क्यों चिल्लाने लगी। जी वो तो मैं देख ही चुका हूँ, खिरद कितनी आपकी बेटी जैसी है। अनाया बेवकूफी की बातें मत करो, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि आतिफ अच्छा लड़का है और सबसे बढ़के वो तुम्हें पसंद भी करता है। आप ही मैं किसी और को पसंद करती हूँ। लेकिन वो तुम्हारे काबिल ही, अगर वो तुम्हारे काबिल होता तो आज तुम्हारे साथ होता। आप ही मोहब्बत ये सब कहाँ देखती है, मोहब्बत में तो अपना महबूब सबसे अलग और सबसे जुदा नजर आता है। रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई, मैं हार गई। दर्द आदि मारी